और यार क्या चल रहा है? बस सर कैमरलॉन में आए हैं, खूबसूरत दोपहर है और इतनी प्यारी है, वेस्टर्न सिडनी का कैंपस है। और आज आपसे भी हम एक जानना चाहेंगे सर कि आज ये बड़ा एक तरीकी शायद क्लॉक है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और वक्त की बात है, इस मुल्क में आपको पता है हम टाइम से सारा कुछ है, तो आज हम आपसे टाइम के बारे में जानना चाहेंगे, 3D टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे पहले तो ये कि ये एक इन्होंने मॉडल है जिससे पुराने वक्तों में जो है वक्त मालूम कर लेते थे। वक्त एक ऐसी अजीब चीज है जो कि सिर्फ आलम खल्क में है, यानी ये दुनिया में है, जहां हम जाएंगे वहां वक्त नहीं है, और यहां वक्त से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं। सही बात है। टाइम इज मनी, स्पेशली जो मगरिब में जो है वक्त को अगर आपको मैनेज करना आ गया तो आप फिर पूरा अपने जिंदगी के ऊपर आपकी जो है ना वो कमान रहेगी। तो जैसे कि वक्त जो है ना आज के दौर में सिर्फ आप कैलेंडर या टू डू लिस्ट से नहीं होता, जैसे कि आपने अभी हम लोग बात कर रहे थे 3D टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो मैंने जो चीज़ मिलके हमारी टीम ने हमने जो डेवलप करी है, टूल्स तो सारे लोग जानते हैं, कैलेंडर है, टू डू लिस्ट है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मीटिंग, हाँ वो सारा कुछ ये सारे लोग जानते हैं। इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें भी आ गई, लेकिन आगे जो आई हैं नई टेक्निक्स आई हैं। देखिए आप टूल में एक चीज़ कर लेते हैं, लेकिन जो आपने काम करना है, अगर आप एक जो है घंटे में दो लोगों का काम करते तो आपकी जो है प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। एब्सोल्युटली। अब जो AI के नए टूल्स आए हैं, दे आर मेकिंग यू सो ऑर्गेनाइज। एक चीज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, टाइम मैनेज करने का मकसद ये नहीं कि अपनी जिंदगी में काम बढ़ाना, अपनी जिंदगी के लिए काम निकाल टाइम निकालना है, निकालना है जिसके लिए आप लीजिए, जिसको आप टाइम या मी टाइम कहते हैं। हाँ, जिंदगी के लिए टाइम निकालना है अपने काम में से। तो अगर मैं 8 घंटे का काम 4 घंटे में करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 4 घंटे का और काम करना, वो 4 घंटे मैं उस काम पे लगाऊंगा जिसको मेरा दिल करता है, फैमिली है, मेरी सेहत है, कम्युनिटी है। और तीसरी जो चीज है, एक तो हो गए टूल्स नए सीखने हैं, टेक्निक्स हैं जिसमें AI बड़ी पावरफुल है, आज के दौर में सीखना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो मैनेजर्स हैं और जो मिड लाइफ से आगे गुजर चुके हैं, उनके लिए हाउ टू मेंटेन द एनर्जी, कि जो वो 4 घंटे या 8 घंटे काम करना है, उस दौरान में आपके पास जो है ना प्लेजेंट एनर्जी रहे, जिसमें यह है कि आप थके नहीं, आप एंग्री कम से कम हो, आप स्ट्रेस कम से कम हो। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें कम से कम हैं, एंग्री ना हो, तो नेचुरली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर आप घर जाते हैं और फुली ड्रेन्ड हैं, इसका मतलब है कि आप तो मतलब ना फैमिली के लिए है ना, और सेल्फ ही आप एक बीमार, खुद भी मेंटल स्ट्रेस देंगे अपना। तो आप इसके बारे में कोई ट्रेनिंग आ रही है आपके, या लोग कैसे सीख सकते हैं इस बारे में, अगर आप थोड़ा बताना चाहें। इसमें देखें, टुकड़ों में तो हमने बहुत कुछ लोगों को सिखाया, लेकिन अभी हम एक खुद भी एक क्लास चल रही है, वो 3 माह जैसे ही खत्म होंगे तो हम नई क्लास दोबारा से शुरू करेंगे। जैसे हमारा तमाम तरीका तालीम जो है वो RPBL है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं। तो हर बंदा जो है वो अगर जब क्लास ज्वाइन करेगा, वो ये नहीं कि आप आए और एक 3 घंटे में सीख के जाए, नो, आप 3 हफ्ते जो है वो उस प्रोसेस में रहेंगे, आपका सेशन होगा, आप उसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वर्कशॉप के अंदर, और पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब तक आप उसे खुद मुख्तारा अंदाज में अप्लाई नहीं करेंगे ना, आपको फायदा ही नहीं। और वैसे बात यह है कि आप इम्प्लीमेंट करें, सीखना एक चीज है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना वो एक असल सीख है। असल सीख है, बहुत अच्छा लफ्ज आपने बोला सजार, कि भाई असल सीख यही है कि आप उसको इंडिपेंडेंटली अप्लाई करें, तब आप कहेंगे मैंने सीख लिया। क्योंकि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो चीज मेरे लिए काम करती है वो जरूरी नहीं आपके लिए करें, जो खाना मुझे पसंद है जरूरी नहीं आपको करें। AI का टूल मैं एक चला रहा हूँ बड़े मजे से, लेकिन वो आपके काम से, आपकी लाइफ से अगर वो मुताबिकत नहीं है तो मुझे कुछ और देना आपको। तो हमारे काम में एक, इसीलिए हमने कहा रियल सूट करे मेरे मुताबिक, क्योंकि रिजल्ट तो आपको चाहिए। मैं एक चीज जाके क्लास में कहता हूँ, ये टूल इस्तेमाल कर ले, गूगल की कैलेंडर मैं दिन रात इस्तेमाल कर, आप कहते जी मैं तो माइक्रोसॉफ्ट का बंदा हूँ, तो आपको वो सिखाएंगे हम कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वही चीजें कैसे करनी है, अगर आप एप्पल के बंदे हैं तो फिर आपने कैसे करना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ रहते हुए हमारे गुरु जी कहते हैं कि भाई जिंदगी जो है ना उसके सारे काम जो है ना मजे और आसानी से होने चाहिए। अगर वो मजे आसानी नहीं, दोनों में से कोई भी चीज खत्म कर दें, तो इसका मतलब आपको एक मशीन बन जाएंगे आप।
अगर आपको काम जो है मुश्किल लगता है, हार्ड लगता है, जिसको हार्ड वर्क कहते हैं, हम नहीं कहते, हम कहते हैं स्मार्ट और स्माइली वर्ड, कि आप मुस्कुराते हुए स्मार्ट तरीके से काम करें, तो लोग कहेंगे यार बड़े आसानी से कर रहे हैं इसने, तो यू नो व्हाट आई मीन। ना टोटली जी, बिल्कुल इंशाल्लाह आपसे जो है सीखेंगे भी, और आगे लोग जो भी प्लीज फ्री टाइम मैनेजमेंट सीखना चाह रहे हैं, हमारी कुछ उस पर ट्रेनिंग्स और चीज़ें आ रही हैं, हमें आप यंग इनोवेटर के पेज फॉलो करते रहिए और हम आपके साथ इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे। एब्सोल्युटली, प्लेजर प्लेजर।